दोस्तों ये मैं मुझे मिल गया, अभी अभी मैं इसको पोस्ट ऑफिस से लेके आया हूँ पार्सल को। और देखिए ये है वो पूरी इसकी पैकिंग। तो हैंडल विथ केयर, यहाँ देखिए मेरा एड्रेस पड़ा हुआ है। लिखा तो स्पीड पोस्ट है पर ये बहुत ही डिले आया, बहुत ही लेट आया, और शायद ही इसमें पौधे सुरक्षित हों। ये देखिए इस तरह से इसमें ये होल है, तो शायद थोड़ी बहुत, और इस तरफ भी है, ये देखिए इस तरफ भी इस तरह की पैकिंग है इसकी। तो ये है इसकी पूरी पैकिंग, और आप देखिए। और ये कहाँ से मैंने मंगाए हैं ये सारी बातें मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आइए हम इसको पहले ओपन करते हैं। तो आइए हम इसको आहिस्ता खोलते हैं। ये देखिए यहाँ से इसको कट करते हैं, इसकी पैकिंग दिखाता हूँ मैं कैसे पैकिंग की हुई है इन्होंने। तो इतने दिन बाद ये मुझे मिले हैं, मैं बहुत उत्साहित भी हूँ और बहुत घबराहट भी है कि मेरे पौधे में जिंदा है भी कि नहीं है। ये देखिए ये खोला और ये खोला, देखिए इस तरह से है ये पूरी पैकिंग। और मैं इसमें से दिखाता हूँ कि ये इन्होंने बहुत सारा ये रखा है। ये देखिए इस तरह से ये कागज़ की ये पत्र, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और ये भी यहाँ रखता हूँ। तो दोस्तों आइए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो ये है मेरे हाथ में पहला पैकेट, और ये है वाटरमेलन बेगोनिया का, और ये है 35 रुपीज़ का मुझे मिला है। तो सही सलामत है ये तो, और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। और देखते हैं अगला प्लांट कौन सा इसमें निकलता है। देखिए इनकी पैकिंग, और ये निकला, ये देखिए ये है बेबी सनरोज, बहुत बढ़िया सा है, और ये है 35 रुपीज़ का। तो ये भी सही सलामत है, बहुत बढ़िया। अभी तक दो पौधे निकले, दोनों सही सलामत। और अगला देखते हैं कौन सा इसमें से निकल के आता है। तो ये देखिए थोड़ा एकदम मुलायम हो गया, पेपर भीग गया है। और ये है पिंक टर्टल वाइन, मेरी फेवरेट, ये देखिए। और ये मुझे मिली है 35 रुपीज़ की। ये मैंने दो पौधे मंगाए थे इसके। तो अगला देखते हैं कौन सा पौधा है इसमें। तो ये देखिए ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना, ये 50 रुपीज़ का पौधा है। स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स भी ऐसा ही होता है, और ये मैंने अभी लिखा है स्ट्रिंग ऑफ बनाना, और ये है स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स जो सामने आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अब है अगले पौधे की बारी। तो देखते हैं कौन सा पौधा इस मैजिक बॉक्स में से निकलता है। ये है पिंक सिंगोनियम जो मुझे मिला है 50 रुपीज़ में। ये भी हेल्दी है और बहुत बढ़िया कंडीशन में है, तो अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है। और ये देखिए ये कौन सा है, अगेन ये पौधा मुझे निकल आया। ये तीन पौधे इसमें आ गए हैं मेरे स्ट्रिंग ऑफ बनाना के, तो इसको भी मैं यहाँ रख दिया। और ये है वंडरिंग यू वेरीगेटेड वाइट एंड ग्रीन वंडरिंग यू, ये मुझे मिली है 30 रुपीज़ में। तो ये भी थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें कौन सा है। ये देखिए पूरा गीला हो गया है पेपर। तो ये है मज़ेदार सा, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये है, इसका नाम है पेपरोमिया गैलेक्सी, ये 40 रुपीज़ का है। इस तरह का होता है ये, और ये तो डिब्बे में लग रहा है। तो देखते हैं इसमें कौन सा होता है, बढ़िया है। ये देखिए ये बहुत बढ़िया है, ये मैंने इसकी फ़ोटो देखी थी पहले, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है एलोकेशिया अमेजोनिका, ये 100 रुपये का पौधा था। और अगला पीस भी ये पेपर में है, और ये जो है बॉक्स में होगा। तो देखते हैं इसमें, देखिए ये मैं इसको आहिस्ता निकाल रहा हूँ। और देखिए ये है एलोकेशिया पोला, ये भी 100 रुपये का है। ये दोनों बढ़िया हैं। और ये है फिटोनिया जो मुझे 50 रुपये में मिला है। तो अगला है आईवी वैक्स, तो ये बेकार हो चुका पौधा, मर गया है, वेरी सैड। और अंत में ये देखते हैं कौन सा है। तो ये तो काफ़ी हेल्दी लग रहा है। तो ये है मेरी फर्न, बढ़िया सी ग्रीन फर्न है, ये 50 रुपये मिली है। मेरे पास दो तीन तरह की फर्न पहले से भी हैं, तो मुझे इस ग्रीन वाली की ज़रूरत थी।
तो दोस्तों ये थे मेरे सारे पौधे, ये देखिए इस तरह से, तो 12 तरह के 15-17 पौधे हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, ये देख लीजिए, तो इसमें लगभग 60% पौधे बहुत सही सलामत आ गए, और चूँकि अभी ये जाड़े का समय था इसलिए ये सब सही सलामत हैं, और यही गर्मी का मौसम होता तो एक भी ना बच पाते। तो दोस्तों ऑनलाइन पौधे मंगाने की आपको मंगाने चाहिए या नहीं, तो मैं कहूँगा कि आप अपने रिस्क पर इसको मंगाइए, क्योंकि जो पौधे हमें दिखाए जाते हैं वो एक्चुअली में उनसे बहुत छोटे होते हैं, और कितना दिन टाइम लगता है आने में इस पर डिपेंड करता है पौधे की लाइफ कैसी हो और कंपनी हमें कैसी पैकिंग देती है, तो इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो जहाँ से ये पौधे मैंने मंगाए हैं तो इनकी पैकिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो ये केरल की नर्सरी है जहाँ से मैंने ये पौधे मंगाए हैं, थारापेल नर्सरी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका व्हाट्सएप नंबर दिया है, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है, इसमें यदि आप मैसेज लिखेंगे तो वहाँ से एक पौधों की लिस्ट निकल के आती है और उसमें प्राइस लिखे होते हैं, और इनको सिलेक्ट करके आप वहाँ पे लिख दीजिए तो वो पौधे ये भेज देते हैं। तो इसका एक्सपीरियंस पौधे भेजने का तो अच्छा है, ऐसे चीटिंग नहीं कर रहे हैं, बढ़िया है, बस आने में ही जो कुछ होता है वही है। तो दोस्तों ये थे मेरे ऑनलाइन शॉपिंग के पौधे, कैसे लगे आपको ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएँ, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।